All right, the next coin is LTC. Wow, this is that old champ now, which now everybody is not talking ने बेच दिया था about. Okay, मुझे so और अच्छे से याद है. गिव मी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड आई टेल द स्टोरी द नेक्स्ट सेकंड. राइट राइट आई विल जस्ट, मेरे को लग रहा है बीच में क्या नया बनेगा, मैं 1 सेकंड में बना रहा हूँ. राइट, सो द जस्ट सपोर्ट एट द मोमेंट, मतलब इट कैन फॉल बिलो इट, बट एट द मोमेंट इज एट 184.6 एंड द रेजिस्टेंस इज एट 207. ओके, सो when there was the halving happening, right? August of 2019 is when LTC blockchain halved. It has the same mechanism. It also halves every 2 years or 4 years. I don't know exactly when, Four, but only, four only. halving happened in August 2019. The coin went to around $100 in anticipation of the halving, and then in few months the coin went to $50. So somebody tweeted, okay, so now the LTC halving has finished. It went from 100 to 50. And I Yeah. very clearly remember the joke. And every time I see LTC price above 100, I'm like, oh shit, यार उस टाइम पे खरीद लेता $50 में. That would have been 4x now. Yeah, But clearly. So उस टाइम पे BTC was 7,000 or $8,000, so technically that would have been more valuable to buy BTC than LTC. yeah, see, now we are not dissing out investment advice. It's just मतलब disclaimer, just an Yeah. anecdote. ठीक है. Investment advice is there, but it is so important to also have fundamentally strong coins in your portfolio, and Right. also if you are trading to get out on the at the right time. क्योंकि अभी No. अगर उस टाइम पे BTC खरीदा होता तो वो 5,000 या $7,000 पे था, और अब LTC $50 पे था. LTC right now at this moment would have been नो बट 3,000. नेमिश, इट ऑल्सो वेंट टिल 300-400 डॉलर्स. या अभी अग्री, नीचे है इसीलिए मैंने वो. बोला ना कि टाइम पे निकलना भी जरूरी है. हाँ, $50 पे लेके आप पकड़े रहते तो वापस 100 पे आ जाता था वो, हाँ मतलब 400 जाके. हाँ सही बात है. तो नो मेक सेंस. लेट्स लुक एट एलटीसी. दिस इज ऑल्सो लुकिंग, मतलब यार बुल रन है तो सभी कुछ बढ़ रहा है, तो इट इज डेफिनेटली लुकिंग गुड. देर इज नो प्रॉब्लम लाइक दैट. एक तो ये क्रैश बहुत स्टीप था, $400 से $100 तक, मतलब ऐसा 70-80% में तो हम ऐसा सोचते भी नहीं कि क्या और है क्रैश. इनिवन बज एनीवन राइट, बिकॉज़ दूसरे दिन तो कुछ हाँ भी नहीं हुआ था. हाँ मतलब पीपल आर लाइक क्या है, ऐसा होता है हमारे क्रिप्टो में, हमको ये तो होता मतलब रहता मारो है मुझे मारो, हाँ रोज मारो का मुझे ही. आज मारो, मीम कंटेंट. और एक मिनट, मेरी जोमेटो की पोजीशन का क्या हुआ? इट अच्छा, डजंट मूव स्टॉक मार्केट. हाँ या एग्जैक्टली, स्टॉक मार्केट डजंट, मतलब व्हेन यू आर इन क्रिप्टो स्टॉक मार्केट सीम्स लाइक अ मार्केट फॉर स्टेबल कॉइन्स, बिकॉज उतने तो हमारे यूएसडीटी आईएनआर पेयर में हो जाता है मूवमेंट, तो वैसा है. तो नो बट लेट्स लुक एट एलटीसी. एलटीसी को देखते हैं. सो इसमें ऑफ कोर्स ये जो जुलाई एंड में, मतलब लास्ट वीक, सेकंड लास्ट वीक में जो 2022 के आसपास जो एक लो बनाया, उसके बाद से द एंटायर मार्केट इज गोइंग अप एंड दैट्स अ गुड थिंग. तो इसमें दो अच्छी बात है और एक थोड़ी खराब बात है. अच्छी बात पहले बात करते, क्योंकि ऐसा हमारे बोलते हैं मम्मी पापा की, पहले अच्छी बात बताओ, है ना, ऐसा होता है. तो वैसे लाइक इट्स अ ट्रेडिशन एट आर एंड. सो अच्छी बात यह है कि दो हायर लो बन चुके हैं, बाकी सब ऑल्ट्स में हमें एक ही हायर लो मिला था, बट अब हमें यहाँ पे दो हायर लो मिल चुके हैं, जो मतलब अच्छी बात है. इट्स लाइक बिटकॉइन. सो ये देखो, ये यहाँ पे दिस इज द लो, ठीक है, दिस इज अ हायर लो एंड दिस इज अ हायर लो. और हम हाई की बात करें अगर, तो दैट्स ऑल्सो हमें दो हायर हाई मिल चुके हैं. ये मतलब इसके बाद वैसे तो ये भी है, बट अगर इससे ही माने, क्योंकि दिस इज एट द सेम लेवल है, ये सब मतलब एक ही लेवल पे है, एक ही रीजन पे, तो ये हाई, ये हायर हाई, और अभी आज का जो हाई है वो एक और हायर है. सो टू हायर हाईज एंड हायर लोज आर वेरी रेयर. मोस्ट ऑल्ट्स आर इधर हैविंग टू हायर हाईज एंड अ हायर लो, राइट, और दे हैव टू हायर लोज एंड अ हायर हाई. दोनों दोनों में नहीं है, मतलब बहुत कम में, एक बिटकॉइन में है, एक शायद ENJ वगैरह जो हमने दूसरे वीडियोस जो हम आज ही लॉन्च कर रहे हैं उसमें, मतलब डाल रहे हैं उसमें है, बट काफी कम में है, मतलब बेसिकली. तो LTC में भी दो हायर 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 लो हमको दिख रहे हैं, सो विच इज वेरी ग्रेट. रेजिस्टेंस पर अभी कंफर्मेशन बाकी है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट अगर कंफर्मेशन दे देता है, मतलब बेसिकली थोड़ा इट शुड सस्टेन देयर, तो इन दैट केस दिस विल एंड अप कंफर्मिंग द ट्रेंड. तो हायर 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 लो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, सस्टेनिंग अबव द रेजिस्टेंस, क्लियर अप ट्रेंड ब्रेकआउट, राइट.
सॉरी अपट्रेंड कंफर्मेशन एंड द वॉल्यूम्स आर ऑल्सो बेटर देन अदर्स. हमने इसके पहले जो कॉइन्स देखे थे उसमें मतलब वॉल्यूम्स वर नॉट लेवल ल्यूकवार्म, दे वर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, बट यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स आर ऑल्सो नाउ यू नो इन कंपेरिजन टू हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स इट इज बेटर देन लाइक लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. बट तो ये अच्छी बातें हैं, तो स्ट्रक्चर अच्छा है, वॉल्यूम्स पिकअप कर रहे हैं. अब आप थोड़ी उस पर भी आ जाते, जो एक छोटी सी प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर में वो ये कि ये वाला जो लो बना है, सो ये लो फर्स्ट हायर लो और ये सेकेंड हायर लो, ये वाला तो बहुत बढ़िया है, एकदम अच्छा एंगल पे मतलब आया. और फिर ये वाला जो लो है ये उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, मतलब कि अगर वैसे तो ये लो बचा देगा पहले, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पर इनकेस अगर भगवान भी कर ऐसा हो जाए, मतलब हो ही नहीं भाई बीटीसी बहुत दिनों बाद तो बढ़ रहा है, पर अगर हो जाए जस्ट इन केस इफ इट रिट्रेसेस, तो ये वाला जो लेवल है ये प्रॉब्ली होल्ड नहीं करेगा, इतना मतलब स्ट्रक्चर अच्छा नहीं. सो जैसे कुछ कॉइन्स है बीटीसी खुद इनफैक्ट उसके दोनों हायर हायर दोनों हायर तो बहुत क्लीन है इसके कंपैरिजन में. तो आप जब ट्रेड करते हो तो शायद ऐसे कॉइन्स आपको प्रेफर करना चाहिए. दिस इज ओवरऑल नॉट बैड बट दिस इज जस्ट वन थिंग दैट आई वांटेड टू पॉइंट आउट. बट क्लियरली हायर हाई दो हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड कंफर्मेशन. सो शॉर्ट बिल्कुल मत करो, लॉन्ग के लिए ये थोड़ा सस्टेन करे, ब्रेकआउट कंफर्म करे, उसके बाद इफ यू वांट यू कैन टेक फॉर एंड डिसाइड वेयर यू वांट टू एंटर. Awesome. So next one is Matic Polygon. Okay. Wow man, this is that coin which is so become story esque. I told my wife to buy it at around like 70 rupees. I was also thinking that I'll buy it at like 90 cents, and then it never hit 90 cents again. like when I saw it hitting like 70 or 65, and then it ran up the next day. See, you can see there, right? It ran up to 94 or something the next day. And then I was like, okay, I'll put an order at 90 or something. Second day itself, like 21st July. Right? Oh, this one. So, 30% बढ़ गया. 91, 92 पे कुछ तो डालते हैं ऐसा. Somewhere I decided to put and it never hit that amount basically. It's basically your luck is back in bull run. बुलरन तब चलता है. देखो बेसिकली नेमेसिस लक. ओके हां तो आई एम सेइंग योर बैड लक. या दैट्स व्हाट योर लाइक योर यूजुअल लक इज बैड लाइक तो योर लक ओनली मतलब ऐसा. गाइस नो आई एम जस्ट किडिंग. बेसिकली इफ नेमेसिस लक डजंट वर्क देन वी आर इन अ बुलरन. इफ इट डज देन जस्ट सेव योर कन्वर्ट टू यूएसडीटी गाइस. दैट्स ऑल. इफ नेमेसिस गेट्स लकी एंट्रीज देन कन्वर्ट राइट यूएसडीटी स्टेबल कॉइन. या इमीडिएटली. Huh. Yeah. Anyways, but Matic. We have resistance here. We will have. I think resistance 8 minutes. Nitin, तूने Matic में invest किया था क्या? Matic trade किया है. Matic तो मेरे पास है, मतलब मेरे पास अच्छा खासा amount है, लेकिन मैंने पता है क्या किया? बताओ. तुम एक मिनट support resistance level देने दो, फिर तुम कहानी बताओ. Nemish. हाँ. 1.51 is the 1.52 sorry is the support, 1.7 is the resistance. Ab batao Nitin bhai kahani. Ab se love. Mere pas actually kafi sara Matic tha, par beech mein I needed some to maine kuch nikal diya tha. What went wrong was I booked my profit ek acha amount pe, matlab 194 ya ke aas pas pe I booked my profit. What I did was maine FOMO mein aake 210 pe khareed liya. And wo aisa FOMO tha. सुनो वो ऐसा फॉर्म होता 210 कहीं और नहीं गया था, वो सिर्फ वजीरेक्स पे गया. यू नो वजीरेक्स पे पंप और वो वाला होता है तो दैट फॉर्म हर्ट. हां तो वो वाला था वो, मतलब आई पैनिक्ड एंड आई वाज लाइक यार ये तो बढ़ता ही जा रहा है और डा और वो और 210 से अब होल्ड किए हुए हैं आप महाशय. और वो ये तो नहीं है कि तुमने डॉलर का एवरेजिंग किया एंड यू बॉट लेटर ऑन थोड़ा बहुत. नहीं वो भी ठीक था भाई, वो फोमो से ठीक था. हाँ वो मैंने हाथ जोड़ लिए होते फिर. लेकिन ठीक है, गलत टाइम पे हम गलत लोग ना गलत टाइम पे हाथ जोड़ते हैं हमारे साथ, इसीलिए ये बुरा होता है. हाँ ये तो है. चलो अब हम देखते हैं. सो ये दिस थिंग वेंट फ्रॉम $2.7 टू 62 सेंट्स गाइस. मतलब ये तो इंडियन प्रोजेक्ट है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इन द वाइल्ड वेस्ट ऑफ क्रिप्टो. नो वेस्ट, ये हमारे घर में ऐसा होता है. तो बट एंड अगेन मतलब देयर इज नो वेस्ट. हां भाई तो देयर इज नो मतलब हालांकि द प्रोजेक्ट इज लाइक द टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट इज नॉट व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट एंड हाउ गुड इट इज और बैड इट इज, ये हर जगह मतलब अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में ऐसा क्रैश होता ही है.
ठीक है, तो ये मतलब द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट डोंट थिंक कि भाई मेरा कॉइन बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है तो बुल रन के बाद भी होल्ड करेगा या बेयर मार्केट भी नहीं गिरेगा, वैसा कुछ नहीं होता है। जब BTC हाफ होता है तो सब ऑल्स 80% आते हैं, 70% आते हैं, राइट? सो कीप दैट बड़ा फंडामेंटल कॉइन आधा होता है तो बाकी ऑल्स में क्या फंडामेंटल्स। हां भाई, हां भाई, तो राइट, यू एवरीबॉडी कैन लर्न व्हाट इज ट्रेडिंग फ्रॉम अ बुक, बट एवरी ओनली एन एक्सपीरियंस ट्रेडर विल नो एग्जैक्टली हाउ टू टाइम द मार्केट और नॉट हाउ टू टाइम और व्हेन देयर इज वोलेटिलिटी हाउ टू बी कंफर्टेबल विद इट। बाकी सब नॉट जस्ट एक्सपीरियंस, उसके लिए लॉस लेना पड़ता है भाई, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, दुख ले, दर्द से बनता है अच्छा ट्रेडर, समझ रहे हो? अभी नितिन का जो फेज चल रहा है ये मेरा था 2017-18 में, ऐसा हुआ है मेरे साथ भी बहुत कि जो लोग वही गिर जाता है ऐसा, या सो जस्ट स्टे हैंग इन देयर माय फ्रेंड, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, बट यू हैव टू हैंग इन देयर। व्हाट मोस्ट पीपल डोंट डू इज नॉट दैट दे डोंट वांट टू गेट एक्सपीरियंस, दे जस्ट गिव इन द मिडल, यू हैव टू बी persistent, चिपके रहो, मतलब you know, don't leave, that's all. Like bear market में अभी ऐसा हुआ था, हमको लग रहा था जब Bitcoin 30K तक आ गया था तो हमारा you know, हमने देखा कि काफी सारे लोग हमारे ग्रुप में भी टेलीग्राम ग्रुप में भी बोल रहे थे कि हम नहीं करेंगे क्रिप्टो वगैरह, थोड़ा वेट करेंगे, वैसा मत करो, ऑफकोर्स लॉस हो रहा है सबका और अब क्या कर सकते, कोई भी टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते। I wanted to always point this out, Sumnesh. तुम हमारी तरफ देख के बात करते हो बट एक्चुअल वीडियो में तुम्हारा साइड फेस दिखता है, you should look at the camera and talk. Okay, sorry. Take a trivia. Like every time news anchors and these shows, they do these video conferences. No, they don't really do video conferences. Every time I've been on news, no, I don't see the anchor. It is always because if you see the anchor, you will not look at the camera, right? Yeah, so always a voice call, and you are just on Skype, but you are there is no one on the other side. You are just looking at yourself or the camera. आप लोग समझ रहे हो, बेसिकली जो लोग न्यूज में जाते हैं उनको ये पता रहता है, ऐसा मतलब दैट्स द पॉइंट। नो बट आई एम जस्ट किडिंग, द पॉइंट हियर इज दैट मतलब जो हम इसके पहले बात कर रहे थे वाज अराउंड यू हैव टू स्टिक अराउंड, बेसिकली आप बने रहेंगे, चिपके रहेंगे, इफ यू डोंट गिव इन। बेयर मार्केट में ठीक है लॉस हो रहा है, प्राइस इज काइंड ऑफ गोइंग डाउन एंड यू आर maybe not happy with, of course in bear market who is happy with their portfolio, but agar waisa hota hai to bhi don't stop the research, padhte raho thoda, hum log itne AMAs karte hai coin crunch mein, ye log itne acche guests ko laate hai, you know there's lot of informational content also going on, articles padho hamare website pe, you know, and you can find other, matlab sirf coin crunch nahi baki bhi jagah aapko content acha mil jayega, keep researching. Don't take those losses to your heart because everybody across the board is losing money. Nobody, not even the biggest hedge funds can catch the top or bottom. So, wo mat, matlab just stick around. Even if you, like in 2017 top, if you bought it, you're still 3x on Bitcoin itself. Baki alls to chhod do, right? At the moment. So, just don't like give in to like that hopelessness because cycle hai, hota rehta. So, that is how you, so Nitin, hang in there, my friend. That's what the point yeah, is. Power okay, Matic ki, yeah. मैटिक की बात करते हैं, वेरी मतलब ये तो मेरे को पर्सनली हर्ट हुआ है क्योंकि मैटिक तो मेरे पास भी है एंड नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट इज दैट आई लाइक इंडियन प्रोजेक्ट है तो इन प्लस यू नो तो मेरे पास भी है, तो द पॉइंट इज इट्स जस्ट लाइक इट वेंट फ्रॉम मैन $2.5 टू 60 सेंट, जैसे पोर्टफोलियो मतलब वो वाला वॉलेट जो उसको खोलो तो ऐसा क्या बताओ, ऐसा दुख होता था, मतलब अ दुख विच नथिंग कैन काइंड ऑफ सरपास, लाइक तुम्हें कुछ भी कर लो खुशी नहीं आएगी इसमें, बहुत ज्यादा इट्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स गोइंग अवे लाइक in a month, so वैसे होता है ये, तो it was this was very like steep decline, but now this is looking like a promising movement, not as मतलब it's still not as good as say बाकी के जो alts है जो हमने बात करा, BNB का, Cardano का, या you know और भी बहुत सारे हमने, in fact खुद Bitcoin is looking better than this, but ठीक है मतलब पहले जो एकदम soul crushing fall था उससे तो better ही है ये, तो at the moment structure में एक higher low हमको मिल चुका है, so ये वाला low, ये हायर लो, ठीक है, दिस इज मतलब ये वाला जो हाई है, दिस इज अबव एनी ऑफ देम, मतलब ये वाला या फिर ये वाला कोई भी देखो उससे ये ऊपर है, एंड दिस इज अ सेकंड हायर, मतलब अभी बना नहीं है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कब आएगा पता नहीं, बट एट द मोमेंट दिस इज स्टिल मतलब हायर देन द प्रीवियस हाई एटलीस्ट, सो वी हैव वन हायर लो जो ये वाला है, सो ये एंड ये हायर लो एंड टू हायर हाई, सॉरी मैं शायद बोलते समय एक बोल दिया, बट ये एंड दिस इज द
फर्स्ट हायर है एंड दिस इज द सेकंड हायर है, अभी परसों ही बना है ये वाला सेकंड हायर है. सो दो हायर हाई एक हायर लो बना हुआ है, ठीक है. हमें एक और हायर लो चाहिए. सो टू हायर हाईज हायर लोज विल कंफर्म इन अप ट्रेंड. दो हायर हाई मिल चुके हैं, एक और हायर लो मिलेगा, अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा. विच इज इन अदर वर्ड्स डू नॉट शॉर्ट, बिकॉज अप ट्रेंड में शॉर्ट नहीं करते. डाउन ट्रेंड मतलब शॉर्ट करना है, अप ट्रेंड मतलब लॉन्ग करना है. मतलब करना है या नहीं वो अलग बात है, बट देखना उस मतलब अप ट्रेंड में रेड बटन की तरफ नहीं देखते एक्सचेंज पे, और डाउन ट्रेंड में ग्रीन बटन की, मतलब वो सिर्फ देखना कहाँ है वो देखो, फिर ट्रेड करने के लिए दैट्स टोटली योर कॉल. द प्रॉब्लम इज योर अप, जो मैंने बोला, जो मैं बोल रहा था कि कार्डिनो बीएनबी प्रॉब्ली आर बेटर सेटअप्स, उसका उसका एक छोटे रीजन बता देता हूँ. एक तो वॉल्यूम्स आर डिसअपॉइंटिंग, आर कमिंग डाउन ऑल्सो, एटलीस्ट नॉट राइजिंग, मतलब दे आर साइडवेज, नॉट प्रॉमिसिंग एट ऑल, राइट. प्लस ये जो हायर लो बना है, एक तो एक ही बना है, दो जैसे ENJ या हमने बाकी कॉइन्स जो आज हम वीडियोस में हमने बात करी है उनमें वो हायर लो दो बना चुके हैं, इसमें एक ही बना है. तो दैट इज ऑल्सो लाइक अ शॉर्ट कमिंग इन द सेटअप. ऐसा नहीं कि वो नहीं बना सकता, पर अभी तक नहीं बना है. एंड द सेकंड थिंग इज जो बना भी है वो बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बहुत बड़ा विक है, छोटा बॉडी है. जब बन रहा था पुल बैक आ रहा था तो ऊपर की साइड बहुत सारे बड़े बड़े विक्स बन रहे थे, मतलब इट्स नॉट. तो अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखोगे या बाकी ऑल्ट्स का, कुछ ऑल्ट्स का देखोगे, इनफैक्ट इथेरियम खुद का, तो ये जस्ट एकमात्र हायर लो भी बना है, वो भी थोड़ा मतलब अच्छा है इसके कंपैरिजन में. सो ऑल इन ऑल व्हाइल यू शुड नॉट शॉर्ट इट, डू नॉट शॉर्ट इट, पर लॉन्ग भी मतलब एक तो एक और हायर लो का वेट करो प्लस बेटर सेटअप से, तो यू शुड लुक एट दैट मे बी. Okay, so that wraps up. Actually, we usually do 2-3 coins in one video, but because we have taken a lot of time with this, we'll wrap this up with LTC and Matic price analysis. Guys, as always, the analysis for other coins, ye uski link description mein hai. Aaj ke din mein jo baaki analysis kari wo, please do check it out. Channel ko subscribe kar lo. And we will see you in the next video.